डाली डाली फूलों की। मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आज हम चल रहे हैं किमू के घर, और वहाँ पर घास कटाई करनी है, तो वहीं मैगी पार्टी भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं क्या क्या मस्ती होती है। मानू और वैसू भी हमारे साथ चल रहे हैं। क्यों हो जाएगा? एक बोतल से क्या करना है? तो थोड़ा मैगी बनानी है, बाकी पीने के लिए क्या करना है? तो चाय थोड़ा बनानी है उससे। तो अब हम निकल गए हैं किमू गधेरा की तरफ को। तो दगड़े, किमू गधेरा गांव से नीचे है, अभी उधर को चली जाए। हाँ, बतख देख लिया। हाँ, मैं देख लिया। आ जाओ नीचे देख लिया बतख। आराम से चलना और ज़्यादा हल्ला भी मत करना, किमू गधेरे में चुपचाप चलना। तो किमू गधेरा जो कह रहे हैं वो पहाड़ी में किमू गधेरा, गधेरा जो ये छोटी सी नदी सी जा रही है यहाँ पर, उसे गधेरा कहते हैं हम। और किमू, वहाँ कोई एक फल होता है किमू, हो सकता है उसका पेड़ होगा वहाँ का भी, तो उसे किमू गधेरा कहते हैं। तो जगह का नाम किमू गधेरा है, जो हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के हों तो जानते ही हैं इस खेत के नाम को। बाकी जो लोग नहीं जानते उनको मैंने बता दिया है कि उधर एक फल होता है किमू, और उसका ज़्यादातर वो किमू होता है, या फिर केले भी होते हैं उस साइड। हमारे नीचे केले भी होते थे पहले, तो अब तो नहीं है, अब तो सब ख़त्म है, बट नाम वही अभी भी प्रसिद्ध है। तो जैसे मैं गधेरा बता रहा था, तो इसे कहते हैं गधेरा। एक छोटी सी नाली निकलती है जो है पानी की, इसे गधेरा कहते हैं हमारे यहाँ। सैतु तो अलग हुआ, हट। तो मम्मी कह रही है कि किमू कहते हैं जो, जिसे दिल्ली में सैतूत कहते हैं उसे किमू कहते हैं। तो उसका पेड़ पहले वहाँ होता था, तो उसका पेड़ के नाम पर वहाँ पर किमू गधेरा पड़ा, सैतूत वहाँ ज़्यादा होता था। तो ये मुझे अभी पता चला है, तो अब ये सही है झूठ है मम्मी जाने। और से क्या, तू ही बता दे फिर। अब नहीं, मतलब किमू को क्या कहते हैं कमेंट में बताएंगे। हाँ, आपको अगर पता है कि पहाड़ में किमू जो होता है, किमू को क्या कहते हैं, तो वो आप भी आप कमेंट करके बता सकते हो। हमें नहीं पता, और किसी को पता है तो बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो खेतों के यहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, इस तरीके के रास्ते होते हैं यहाँ। तो हमें शहरू बना बाट है, बाट घूट सहनी आए, वो तो भले जरा घा काट रहा ना तर अल्लाह है, बहुत ज़्यादा मतलब कुमार हमारे ऐसे लाइक जैसे ना खतरनाक तरह है, इतनी भारी तादाद में यहाँ घास हो रही है, और घास के बीच में से निकलना होता है हमें। कुमरे बहुत ज़्यादा होते हैं, कुमार दिखाता हूँ मैं अगर कहीं पे दिखता है मेरे को फिर से। ये देखो कितने सारे कुमार हो रखे हैं, इसे कहते हैं कुमार, ये है कुमार। अरे कपड़े भी ऐसे चिपकता है ना, पता भी नहीं चलता सारा, बहुत ही। अभी पहुंच गया हमारे किमू गधर। इस गधेरे में मैंने इतना हल चलाया हुआ है, ये गांव है हमारा ऊपर, ही गांव से नीचे जो है गधेरा, तो ये गांव ऊपर नीचे गधेरा, तो इसी को ही किमू गधर कहते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं गए हम, यहीं पे नजदीक हैं। और ये अखरोट का पेड़ है, शायद इसमें अखरोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अखरोट तो दिख नहीं रहे वैसे। तो ये तो मेरा देख लूँ तिराहे कैसे जानो कब है। घास बहुत ज़्यादा है, कोशिश पूरी रहेगी। ओहो कुमार कुमार कुमार, तो घास काटने चाल हो गई थी पटो में, और इतनी थोड़ा जग बनामी ताकि वो है जाल ना थोड़ा सा, इधर मैगी वैगी बनाए और ननू को बैठना लीजिए। तो काकी और यूँ लागी घास काटने में नन ठड़े थे, और इधर मैं फेसबुक में लाइव ला रहा हूँ, तो आप लोग देखना मचा जाओ। जय हो राकेश शर्मा की। देखने की काई और गिचले चलाई, काल कपड़ों में लागे छे बिराई, ओ दादा तुम कैसी बोली जाई, ना आनो घा काटना ना आनो काम, हमको कैसी चटबड़ी
मैगी खिलाई दादा को मरी कैसी भाजी काम धाम ऐसे ही होता रहेगा हमारा। अब मैं घास काटता हूँ यार, बच्चों के साथ तो ऐसे ही मजा आता रहता है, तो यही तो है लाइफ। जनूल जनूल दिल्ली में ब्याह करो, जनूल जनूल दिल्ली में ब्याह करो, उन्हें बैकू कड़े घा काटना पड़ोल सैनी दारी दफ्तर बाद में का कटोल तुम काट ला काटो काटो नमस्कार। मैगी बनाने की तैयारी होने लग गई है और ये चूल्हा जला दिया है, अभी जलेगा और फिर उसके बाद रखते हैं ये वाली कढ़ाई इस पे और बनाते हैं फिर मैगी। और सभी लोग लगे हुए हैं काम पे जोरों शोरों से, सबको मैगी खिलाने की ड्यूटी है मेरी। और अभी बनाती हूँ मैं मैगी, 2 मिनट वाली मैगी बनेगी आज। अभी मैगी खिला पाएगी पर रात होगी, जब रात होगी तब खिलाएगी, क्योंकि चूल्हा ही नहीं जल रहा, क्या कर रहे हैं हम। फाइनली चूल्हा जल गया और पानी हो गया गरम, अब मैं डालते हैं मैगी और बनाते हैं मैगी। दगड़े ये है क्रिसमस ट्री, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है सफेद फूल से, मजा आ गया। क्रिसमस ट्री है, किसने बोला वैसे? मैंने बोला क्योंकि मैं पहाड़ों का दीपू भाई हूँ, जो मैंने बोल दिया वो सत्य है। तो यहाँ मैगी बन रही है, यहाँ मैगी में डाल दिया पानी में मैगी, अब इसके बाद मसाला डालेंगे फिर हो जाएगी हमारी मैगी रेडी। तो दगड़ियों आज हम मैगी बना मु, तो मैगी होगी पानी में रेडी। भेज हमारी दिल्ली आया भेज वो बनाना मैगी। और मम्मी और भैया ने यहाँ पूरा काट दिया है, मतलब दादा यद पूरा काट है ये देखो, ये और बती ताई और मम्मी काटनी, थोड़ा सा और बच रहा तू भर जितना हो वह तक था वो सब हमारे तो बच्चे को तक पूरा हमारे करो नीचे तक करो उसको चार्ज। चाची घास ऊपर रखने जा रही है और फिर आएंगे, तो जब तक मैगी हो जाएगी रेडी। मैगी बन रही है यहाँ, मस्त मैगी बन रही है यहाँ पर। तो मैगी बन गई, बिल्कुल मैगी बन गई है। और वहाँ भैया ने भी उधर घास काट लिया है, उधर के साइड पूरा घास काट लिया है, बस थोड़ा सा ही बीच बीच में बचा है। और मम्मी ऊपर गई है घास लेने, और ये हमारी गर्मा गर्म मैगी रेडी हो गई है। गर्मा गर्म यार मैगी, अभी तिमले के पत्ते आपको पहले मैं दिखा रही थी, तो मैगी अब निकाली जा रही है। मैगी हो गई है रेडी, बस मैगी निकल गई। अभी हमने यहाँ और यहाँ डाल देते हैं पानी, आग को बुझाना जरूरी है। ये देखो पानी किस पीने के लिए, क्या बचेगा पानी के लिए भी पिला देंगे तुम्हें। आग बुझा दी है यहाँ पानी डाल के और मैगी हो गई है रेडी, और अब खाते हैं। और ये आ गए हैं हमारे तिमिल के पत्ते, इसमें खाएंगे अभी मैगी सब। तो दगड़ियों घास भी कट गया थोड़ा बहुत ये, और मैगी भी हो गई रेडी, भावना ने बनाई है फर्स्ट क्लास वाली, इधर घास भी कट गया। तो अब करते हैं ये शाम के टाइम वाली पिकनिक, मस्त पहाड़ों में खेतों में मैगी खाने का मजा ही अलग है। ये वाह यम, आय हाय। तो करता हूँ स्टार्ट, ये मानू खाने लग गई है मैगी। कैसी हो रही मानू? बहुत जबरदस्त मैगी हो रही है, मतलब खेतों में इतनी अच्छी, एक तो स्वाद इतना अच्छा आ रहा है ना, तो गांव से बैठ मतलब गांव की जो मैगी होती है ये मजा आता है।
वैशु कैसी हो रही है? ची। ची। इसको ऐसे ऊपर को करे, ऐसे ऊपर को रखे, देखिए लग रहा है इसमें, ऐसे से ऊपर को रखे। यम्मी यम्मी भूख लग रही है। यम्मी मम्मी यम्मी, ये है मेरी मम्मी। तो शाम का टाइम हो गया है और फुल एंजॉयमेंट हो गया है जम के। आज घास तो जैसी भी कटी लेकिन मैगी पार्टी जबरदस्त हो गई है। अब मैं कढ़ाई में खा रही हूं। अब भानों को कढ़ाई का मौका मिला चाटने का और मजा आता है कढ़ाई का। तो वैसे मजा आ गया ना, तो आज बच्चे आए थे, बच्चे ने बोला पार्टी में मजा आ गया, पार्टी फुल ऑन। तो पार्टी आर्टी कर ली है, अब निकलते हैं घर को क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और आजकल पता नहीं है कहाँ से तेंदुआ आ जाए, कहाँ से सूअर आ जाए। तो अपनी सेफ्टी भी जरूरी है, बच्चे साथ में हैं छोटे छोटे, तो निकलते हैं इसलिए घर को। तो आई होप आपको ये मस्ती भी अच्छी लगी होगी। गाँव में जाओ, काम भी करो और मस्ती भी करो, खाए दो भी, पिकनिक भी बनाओ। तो निकलते हैं घर को और मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। तो घर को निकलने लग गए हैं, चाची ने घास उठा लिया है और मम्मी ने अपना गुढ़ा उठा लिया है, ले उठा रही मम्मी भी। तो अब घास ज़्यादा हो रही है तो फिर भी, लेकिन ऊपर को चलना तो है ही। तो मम्मी और चाची इस तरीके से चल रहे हैं पकड़ पकड़ के। ये देखो मम्मी और चाची निकल गए।